हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 13 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कितने वर्षीय महिला कैदियों को 50% वास्तविक सजा पूरी होने पर विशेष माफी दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, महिला कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50% वास्तविक सजा की अवधि पूरी कर ली हो, उसे विशेष माफी दी जाएगी। और पहले चरण में कैदियों को 2 अक्टूबर 2018 महात्मा गांधी की जयंती पर, दूसरे चरण में कैदियों को 10 अप्रैल 2019 चंपारण सत्याग्रह की वर्षगांठ को, और तीसरे चरण में कैदियों को 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की जयंती को रिहा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसमें आंसर आएगा, 250 करोड़ रुपए की लागत से देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में किस सर्च इंजन पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? इसमें आंसर आएगा, यूरोपियन संघ ने 18 जुलाई 2018 को यह घोषणा की कि गूगल द्वारा अपने वर्चस्व का गलत फायदा उठाया गया, जिसके कारण गूगल पर $5 बिलियन का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 साल बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, तुर्की ने। 2 वर्ष पहले तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद आपात स्थिति लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2017 के बीच देश में रेलवे पटरियों पर ट्रेनों की टक्कर से कितने लोगों की मौत हुई है? तो इसमें आंसर आएगा, ऑप्शन बी 49,790। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारत के किस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा करने को उनका अधिकार बताया? तो इसमें आंसर आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने और प्रार्थना करने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सबरीमाला मंदिर कोई निजी संपत्ति नहीं है, यह एक सार्वजनिक संपत्ति है। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और बगैर किसी भेदभाव के पुरुषों की तरह पूजा अर्चना करने का संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पूर्व सांसद का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया? तो इसमें आंसर आएगा, चंदन मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल में एक ग्रह के 12 और चंद्रमाओं की खोज के बाद किस ग्रह के सबसे अधिक चांद हो गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा, बृहस्पति ग्रह के या जुपिटर के, और इसके कुल चंद्रमाओं की संख्या 79 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फास्टैग्स का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, टोल संग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आरएपीसी का पूर्ण रूप क्या है? आरएपीसी यानी रीजनल एविएशन पार्टनरशिप कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा 100 रुपये के नोट में रानी की वाव को शामिल किया गया है जो संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, रानी की वाव गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 5 बैंकों में 11,336 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है, जिनमें निम्न में से कौन सा बैंक शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा, इनमें पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये बैंक शामिल है, और एसबीआई बैंक इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपने पहले पूर्णतः महिला संचालित बैंक की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, बाल शिक्षा से।
इस पॉलिसी के तहत 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को परीक्षा पास किए बिना अगली कक्षा में दाखिला दे दिया जाता है। और इस पर राज्यों ने आपत्ति जताई है। राज्यों ने कहा है कि परीक्षा में पास हुए बिना अगली कक्षा में जाने के नियम से छात्र जानबूझकर नहीं पढ़ते और छात्र बुनियादी शिक्षा नहीं ले पाते। 8वीं कक्षा के बाद वे परीक्षा में फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने ताजमहल से संबंधित औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा सीके मिश्रा कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 3831 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2018 कहाँ आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। और ग्रीको रोमन श्रेणी में पहलवान वीरेश कुंडू ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान शामिल नहीं है। आरसीईपी एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें 10 एशियन सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल है और उनके 6 FTA साझेदार है, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक निम्नलिखित देश के वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है? तो इसमें आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया का। और पहली बार भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2018 में भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने कानून पारित किया है कि केवल यहूदियों को देश में आत्मनिर्भरता का अधिकार है? तो इसमें आंसर आएगा इजरायली संसद ने 19 जुलाई को संवैधानिक कानून पारित कर इसराइल को यहूदी राज्य घोषित कर दिया है और यह निर्धारित किया केवल यहूदियों का ही यहाँ अधिकार होगा। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में भारत के किस राज्य के नजदीक अपना एक मानव रहित मौसम जानकारी केंद्र स्थापित किया है? आपके ऑप्शंस है मणिपुर, नागालैंड, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।